तो पे आज गोटे नुआ टॉपिक स्टार्ट करिबा हला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओके अच्छा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मुझे लिखी दूसरी फर्स्ट आज टॉपिक हूँ कौन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इंट्रोडक्शन देवा पूर्व तुमने तुम्हारे माइंड में किसी क्वेश्चन आसत बा तुमने किसी भावुव जो ह्वाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी पिला माइंड आसो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स दैट इज समथिंग रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन ना नहीं माइंड आस था पारे पिलांगर है ठीक अच्छे तो जहाँ माइंड में एमती आसूँ भल कहीं किसी आईडिया आसवे ठीक सब तो एक्चुअली जदि मुझे कहबी केमिस्ट्री मैंने आपको तो आम सर्टली कभी एक्सप्लेन करें आम ये जानते केमिस्ट्री इज द स्टडी अफ कौन मैटर हाँ एंड इंटरनल कन्वर्सन आउ केमिकल रिएक्शंस ए सब गुड़ाक इनवल्व रोचे केमिस्ट्री इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी ओके तुम मैंने देख मोबाइल रे तुम बैटरी पड़ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यहाँ है तुम मैं बैटरी रे जो मोबाइल रे जो बैटरी पड़ी आजिकल जो बैटरी आसा हूँ कौन लिथियम आयन बैटरी है यहाँ लास्ट इयर नोबेल प्राइज मिल्च फर द डिस्कवरी अफ लिथियम आयन बैटरी कहीं ना एफिसीयसी बहुत भल तुम मेरे जो मोबाइल आसूर कौन चार्ज के 7000 6000 एम था मैंने बहुत टाइम लंग टाइम जाए जाऊँच एफिसीयसी भल था बैटेरी है कम टाइम रे चार्जिंग जल्दी हो प्लस लंग टर्म आम यूज कर तो बैटेरी केमी बना से आम चैप्टर है मैंने एक्चुअली कह गए चैप्टर में दुईटा पॉइंट आसला गोटे हूँ आम केमी केमिकल चेंज रु इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर आउ गोटे पॉइंट हूँ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करके आम गोटे केमिकल चेंजेस केमती आनी पारिया है बट जो केमिकल चेंजटा को आम बारंबार गोटे वार्ड यूज करा केमिकल एनर्जी बोली केमिकल एनर्जी मैंने कौन कि गोटे केमिकल चेंजेस आनेटा ही आम कौन कौन केमिकल एनर्जी बोली कौन ठीक अच्छे तो ये चैप्टर स्टेटमेंट कौन आस इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इट इज जस्ट ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ स्टेटमेंट आसिबो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ क्या उपरे स्टडी करिया ना हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको आम गोटे वार्ड में लिखिपर कौन ना द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा शॉर्टली आपको आम मेंशन करपर स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा माने कौन ठीक तार अपोजिट कौटा है ओके तो देख ये कौन हो आमे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट कर पारिया ओके तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर पारिया देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी रे भी हमें कन्वर्ट कर पारिया ठीक अच्छे अच्छा टॉपिक रे हमें कौन कौन डिस्कशन करिया तो टॉपिक रे इंट्रोडक्शन थिला हैला हमें टॉपिक रे कौन कौन डिस्कशन करिबा ता पर मु डिस्कशन करूछ टॉपिकटा को आम चार्टा पार्ट डिवाइड कर पारिया हैला फर्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कशन करिबा जे जो आमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो केमिकल एनर्जी हो कि केमिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करिया पई आमको दरकार कंडक्टर हैला तो फर्स्ट आम डिस्कशन करिया कंडक्टर कौन आ कंडक्टेंस कौन हैला ए जो कंडक्टेंस सहित रिलेटेड आउ किसी टर्म डिस्कशन करिया जमी कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हैला तापर कंडक्टिविटी अच्छी रेजिस्टिविटी अच्छे कंडक्टिविटी एंड
रेजिस्टिविटी, ओके, देन मोलर कंडक्टेंस, आउ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, आउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एमानो भीतर रिलेशन देखिया, मोलर कंडक्टेंस आउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भीतर कोन रिलेशन अछि, ठीक अछि। आ भीतर गोटे वर्ड आसो कौन सेल कन्स्टांट बोली गोटे वर्ड आसो, सेल कन्स्टांट को आम जी स्टार रिप्रेजेंट करिया, हला ये होचे हमर गोटे पार्ट बा आको आउट के जदि एक्सटेंड करिवा तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस आउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उपरे को को फैक्टर इफेक्ट पकोउछ, फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस को आम एम रिप्रेजेंट करिया कैपिटल लैम्डा एम हला एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्मॉल लैम्डा एम हला। देन आसिबो कोलर्स लॉ, ये जो फैक्टर इफेक्टिंग रे हमर गोटे लॉ आसो तो ना होचे लॉ हला कोलर्स लॉ, ठीक अच्छे। एटा हमर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट रे हम पढ़िया गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल हला, गैल्वेनिक सेल परे आकु रिलेटेड किसी टर्म आसो जमीक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आम रिप्रेजेंट करिया ई रे हला, से आसो पी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ को आम रिप्रेजेंट करिया ई नॉट रे हला, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माने ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन हला, ए टर्म गुड़ा डिस्कसन करिया। इनक्रीजिंग ऑर्डर डिफरेंट एलिमेंट रो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को गोटे सिक्वेंशियल मेनर जब आम अरेंज करवा तो गोटे सीरीज आसो जहाँ को आम कह कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़िया आउ आर एप्लीकेशन पढ़िया, एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन हला। एथिरे आम आउ गोटे पॉइंट पढ़िया कौन नॉन स्टिक्वेशन, नॉन स्टिक क्वेश्चन हला, चैप्टर टिके लॉन्ग रहियो पिले हला, ठीक अच्छे। एटा हला हमर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट रे हम डिस्कशन करिया इलेक्ट्रोलाइसिस हला, इलेक्ट्रोलाइसिस बा आसो हम डिस्कशन करिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हला। ए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे जो इलेक्ट्रोलाइसिस होचे आर दुईटा आस्पेक्ट अच्छे, गोटे हूँ क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट आ गए क्वालिटेटिव आस्पेक्ट, गोटे क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट आ गए क्वालिटेटिव आस्पेक्ट माने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसटा हेले कैथोड्रे आउ एनोड्रे कौन प्रड्यूस हे सेटा को आम मानते प्रडक्ट कौन आसो आम क्वालिटेटिव एनालिसिस कह हला। क्वांटिटेटिव माने केते अमाउंट रे प्रोडक्ट फॉर्मेशन, केते करंट फ्लो हेले केते अमाउंट रे करंट फ्लो हेले केते अमाउंट रे सब्सटेंस प्रोड्यूस हबो ताको हम कहिया कोनो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके ओके। तो हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट गोटे देखिबा आ गोटे देखिबा कोनो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहली। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट उपरे फर्स्ट स्टडी करथिले फैराडे हला, साइंटिस्ट फैराडे, ओके, जाको हमें पढ़िया फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस सेकंड लॉ करिके दुईटा लॉ हमें पढ़िया हला। बस ये थी आम थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आस आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी उपरे पढ़िया जमीक प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल हला, प्राइमरी सेल माने जोड़ा थरे यूज होगा आउ फर्दर यूज हेनी ताको प्राइमरी सेल कौन हला। सेकेंडरी सेल कहले जोड़ा को आम बारंबार यूज कर पार चार्ज कर फर्दर रिचार्ज कंटिन्यू जो मोबाइल जोड़ा पड़ू से कौन सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल पढ़िया ओके आउट है सेकेंडरी सेल, ओके आउ गोटे अच्छे फ्यूएल सेल जोटा कि रकेट्रे यूज होक्सीजेन को एज ए फ्यूएल यूज करा हाइड्रोजन एज ए फ्यूएल यूज करा हला। आउ गोटे अच्छे कौन फ्यूएल सेल, ओके आ सहित आउ गोटे टॉपिक पढ़िया कौन करोशन हला, जोटा आम मेटाल गुड़ाक किसी गोटे कोटिंग आसा से उपरे आम डिस्कसन करिया करोशन एंड हाउ टू प्रिभेन्ट करोशन, करोशन जोटा कि आम आईरन में करोशन है कौन कौन रस्टिंग अफ आईरन बोली कौन हला, करोशन एंड प्रिभेन्शन अफ करोशन हला। एति टॉपिक आम डिस्कसन कर चार्ट पार्ट आसला आमर तो फर्स्ट पार्ट आम एटा डिस्कसन करिया ठीक अच्छे। अच्छा
ये जो आम इंटर कन्वर्जन हो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एटा जो कंटेनर में हो कंटेनरटा को आम कौन कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोली कौन है द कंटेनर इन ह्विच द इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस द इंटर कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट रे लिखुचे केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हें कंप्लीटली लिखिबो हला केमिकल एनर्जी इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस इज नोन एज कौन कह सको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हला ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्दर टू टाइप्स कौन कौन गोटे गाल्वानिक सेल आ गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हला गाल्वानिक सेल और आपको आम कहीपर वोल्टाइक सेल हला एमती कम कहु आम आगे जाए देखिया जो गाल्वानिक सेल आम डिस्कसन करा आपको गाल्वानिक सेल कम कह आम पढ़िया है गाल्वानिक सेल आउ ये हूँ कौन आमर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हला गाल्वानिक सेल रे कौन हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल रे कौन हो ना गाल्वानिक सेल रे केमिकल चेंज रु आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर एटी कौन हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करी आम केमिकल चेंजेस आणुंच बारंबार मुझे केमिकल चेंजेस मैंने केमिकल एनर्जी है तो ये कौन हो ना मुझ सर्ट लिखुसी तुमने कम्प्लीटली लिखियो कौन हो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो कौन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कौन हो ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो केमिकल एनर्जी कौन पर एमती हो ना ये स्पंटानियस रिडक्स रिएक्शन हो एटी नॉन स्पंटेनियस रिडक्स रिएक्शन होची स्पंटेनियस माने कौन जोटा कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी रे होची ताको कौन कहुचे स्पंटेनियस रिएक्शन बोली कहुचे बा स्पंटेनियस प्रोसेस कहुचे द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ओके इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट इज नोन एज ए स्पंटेनियस प्रोसेस फर्स्ट ईयर पढ़ी आम नॉन स्पंटेनियस मीन्स व्हिच रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स दैट इज नोन एज अ व्हाट नॉन स्पंटेनियस रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन माने कौन फर्स्ट ईयर पढ़ुं आम कौन रेडॉक्स रिएक्शन माने होची इफ इन ए सिंगल रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन तो कौन कौन रेडॉक्स रिएक्शन साइड में लिखी दूसरे रेडॉक्स रिएक्शन माने कौन रेडॉक्स रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन क्या कह द रिएक्शन इन ह्विच द रिएक्शन इन ह्विच both oxidation and reduction takes place is known as redox reaction okay acha oxidation mane kon oxidation mane kon आ रिडक्शन माने कौन ऑक्सीडेशन माने आम जानते कौन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है देखो एडिशन माने प्लस लिखीदी तुम्हें पूरा कंप्लीटली लिखियो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कौन ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ माने माइनस है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन माने कौन ऑक्सीडेशन हेले आम जोड़ा यूज करिया सेटा होची लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यदि आम किसी काम ना यदि ऑर्गेनिक रे काम आसो है कौन ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हूँ कौन ऑक्सीडेशन है आगुरी तुमको कही दूसरी जो भी ऑक्सीडेशन हम आम आगे जा पढ़ा है मु रिपीट कर तुम मन रही बुझिपार तो जो भी ऑक्सीडेशन हम सब आम एनोड बोली कह एनोड एनोड तुम एम मन रखिपार लोन एल ओ ए एन इ तुम एम सर्ट्रे मन रखिपार लोन मैंने कौन लॉस ऑफ
इलेक्ट्रोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोन कौन एनोड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोन एनोड एल माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रोन एलओ माने कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोन एन ई माने एनोड है जोड़ी लॉस ऑफ इलेक्ट्रोन हम ताको हमें कौन कह एनोड बोली कह ठीक अच्छे कौन भाई कौन आगे जाए मुझे कह सिमिलरली रिडक्शन माने कौन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन माने रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन माने रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने होची कोनो रिडक्शन हला आको हमें कोन कहउचंदी कैथोड कहउचंदी जोठी रिडक्शन हबो ताको हम कोन कया कैथोड कया हला एटा शॉर्टली मन रखि थबे भाई टॉपिक कोन थिला हमरो ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को टू पार्ट रे क्लासिफाई करले गोटे थिला गैल्वेनिक सेल बाजा हम कहउचंदी कोनो वोल्टेइक सेल आउड होची इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल रे इलेक्ट्रिकल एनर्जीटा केमिकल केमिकल एनर्जीटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होउछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे इलेक्ट्रिकल एनर्जीटा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होउछ ठीक अच्छे अच्छा ए जो सब प्रोसेस हाबापे आम कौन दरकार कंडक्टर दरकार तो आम नेक्स्ट टॉपिक होउछ कंडक्टर है कंडक्टर कौन पिले बस कंडक्टर ना कंडक्टर कौन द सब्सटेंस थ्रो व्हिच करंट कैन पास इजिली दैट इज नोन एज अ कंडक्टर जो सब्सटेंस देखिए करंट इजिली पास हो पारे आम कौन कौन कंडक्टर कौन सब्सटेंस को थ्री पार्ट में क्लासीफाई कर कंडक्टर इन्सुलेटर आउ सेमी कंडक्टर जनरली तुम मेटाल को क्लासीफाई कर ना तो कंडक्टर डेफिनेशन आम लिखिपर द सब्सटेंस थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो इजिली द सब्सटेंस through which current can pass easily known as kon kahus taku conductor boli kahus hala hala acha to conductor pile two types rahi pariyo kon kon गोटे है मेटालिक कंडक्टर आ गए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तुम मैंने देखी नाइन्थ क्लास रे पढ़ी समस्ते गोटे बिकर निहाँ बिकर रे नॉर्मल वाटर नहीं कि देखी समस्ते एक्सपेरिमेंटा गोटे बिकर रे किसी वाटर निहाँ प्योर वाटर नहीं कि दुटा मेटालिक रड पुट कले आम ताको गोटे बैटेरी रे कनेक्ट कले गोटे बल्ब रे कनेक्ट कले तो करेन्ट फ्लो होनी ना बट जो आम ए कि गोटे सल्ट एड कले कि सल्ट एड कर तो करेन्ट फ्लो हो तो जो सल्टा ये कौन है गोटे इलेक्ट्रोलाइट भाग कम कला बुझिपाल तो करेन्ट फ्लो हाँपी आमको इलेक्ट्रोन मूवमेंट दरकार और आयन मूवमेंट दरकार आ बेसीस कंडक्टर टू टाइप आम क्लासीफाई कर गोटे है कौन मेटालिक कंडक्टर आ गए हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो कौन कौन आसला मेटालिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर का कहें द सब्सटेंस इफ द करंट फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज अ मेटालिक कंडक्टर है द कंडक्टर व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी द कंडक्टर व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मोशन ऑफ Due to the motion of electron is known as what? Metallic conductor. कौन कौन सा कौन? Metallic conductor बोली कौन सा? है ना? Example all metal सबूरा metal क्या क्या डेवर रहते हो? Metallic conductor जिम देखी? सिल्वर कॉपर, जिंक गोल्ड है डट डट एटसेट्रा ऑल मेटल आर अंडरगो मेटालिक कंडक्टर है नेक्स्ट आसला कौन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन दोज सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मोशन ऑफ और द मूवमेंट ऑफ आयन ओके दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बाय मैं लिखिपरिया
द कंडक्टर इन व्हिच और व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मोशन ऑफ और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयन प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम और इन मोल्टेन स्टेट है फ्री आयन मोशन ऑफ फ्री आयन प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम और इन मोल्टेन स्टेट देख पिले एबे सपोज खाली मुँह नेली सोडियम क्लोराइड तो ये कौन सॉलिड स्टेट रे अच्छे एथिरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हेबनी हैला जितेबेले मु सोडियम क्लोराइड को वाटर रे नेबी एटी वाटर अच्छे मु एथिरे डालली कौन सोडियम क्लोराइड तो कौन हबो ये ब्रेक हे जीवो Na प्लस Cl माइनस तो सल्यूसन रे एबे सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म रे प्रेजेंट नाही सोडियम आयन प्रेजेंट अच्छे आ क्लोराइड आयन प्रेजेंट अच्छे फ्री स्टेट रे प्रेजेंट अच्छे जितेबेले आमे किसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिया किसी पोटेंशियल अप्लाई करिया तो आयन गुड़ाक रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड आड़ को मूव करिया स्टार्ट करिए है सिमिलरली सपोज मु गोटे बिकर रे सोडियम क्लोराइड रो मोल्टेन स्टेट नेली सोडियम क्लोराइड मोल्टेन मोल्टेन माने तरल अवस्था लिक्विड स्टेट ता जोड़ा है मेल्ट करी नबटा बाकु आमे कहया फ्यूज्ड स्टेट मोल्टेन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट है दिट जार मीनिंग गोटे तो ये भी कौन अच्छी Na प्लस आयन अच्छे Cl माइनस आयन प्रेजेंट अच्छे ओके तो जो आम रहा आ कैटेगोरी किए आसो सब गुड़ाक एसीड आसो बेस आसो सल्ट आसो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रे कौन कौन आसो ऑल एसीड बेस एंड सल्ट एग्जांपल आर आसो कौन ऑल एसीड बेस एंड सल्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को आम सिंपली कहींपर इलेक्ट्रोलाइट है आपको आम सिंपली कौन कहपर इलेक्ट्रोलाइट ओके इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स रोपिले है कौन कौन गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गए वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यह मुझे लिखुचे इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स रो गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गए वीक इलेक्ट्रोलाइट एमती कम डिवाइड कराला ना देख ये जो आमर इलेक्ट्रोलाइट रो कैपेसिटी टा डिपेंड करुचे तार कंडक्टेंस उपरे हला कंडक्टेंस केतेबेले हाई रहइबो जेतेबेले सॉल्यूशन रे नंबर ऑफ आयन्स हाई रहइबो हला सॉल्यूशन रे नंबर ऑफ आयन्स जेते हाई रहइबो फ्री आयन जेते अधिका प्रेजेंट रहइबो तार कंडक्टेंस हाई रहइबो त ताको आमे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोली कहया बा जो इलेक्ट्रोलाइट टा कोन होची कंप्लीटली डिसोसिएट हे जाउच एबे NaCl को MgCl2 को CaCl2 को ए सब जिंस उडा कोन होची कंप्लीटली डिसोसिएट होउच तो मानक आम कौन कहें स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट जोड़ा कौन पार्सीआली डिसोसिएट होमती विक् एसीड सी एस थ्री सी ओ ओ एच एसीटिक एसीड एच सी एन है कार्बोनिक एसीड ए सब गुड़ाक कम्प्लीट डिसोसिएसन हेनी मैंने लेस नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस कर तो यह आम कौन कह विक् इलेक्ट्रोलाइट बोली कहया है इलेक्ट्रोलाइट को आम टू पार्ट्रे क्लासीफाई कले गोटे कौन स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट आ गए कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कहया द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम और इन मोल्टेन स्टेट मोल्टेन स्टेट रे तो समस्त डिसोसिएट हे कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कह देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह एग्जांपल कौन आसो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो एग्जांपल आसो ऑल
स्ट्रॉन्ग एसिड जिते स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छे जमीक HCl कह HNO3 कह है H2SO4 कह ये सब गुड़ा क्या कैटेगरी आस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस अल्कलाइन बेस जमीक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासीयम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है आ कौन ना सॉल्ट जिते सॉल्ट अच्छे सब गुड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट है सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टेटमेंट कौन आसो द इलेक्ट्रोलाइट तुम यहाँ निजे लिखि दि मुझे लिखुनि द इलेक्ट्रोलाइट ह्विच इज पार्सीयली कंप्लीट जगह कौन लिख पार्सीयली डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल कौन आसो एग्जांपल वीक एसिड आउ वीक बेस हला वीक एसिड एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड हला CH3COOH एसिटिक एसिड हला इथेनॉल C2H5OH अल्कोहल ला भी गोटे टाइप रो एसिड आगा हला तब वीक बेस वीक बेस रो गोटे एग्जांपल NH4OH बाको सिंपली हमें NH3 बोली भी लिखिपर एक्वास NH3 जोड़ी तुमको एक्वास NH3 आसला मैंने से कौन NH4OH है तो आम कौन कले इलेक्ट्रोलाइट को टू पार्ट क्लासीफाई कले गोटे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट आउ गए विक् इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट ये जो मेटालिक कंडक्टर आउ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भितर आम क्लासीफाई करा है डिफरेन्स कौन मेटालिक कंडक्टर आउ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर गाल्वेनिक सेल आउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए दुटा आम डिफरेनसीएट करा के दुईट जाए टपिक जो आम कम्प्लीटली डिस्कसन करा है जस्ट मुझे तुमको दुईटा ही पॉइंट कही गाल्वेनिक सेल कौन हो ना केमिकल एनर्जीटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउछ गाल्वेनिक सेल रे स्पोंटेनियस रिडक्स रिएक्शन होउछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे नॉन स्पोंटेनियस रिडक्स रिएक्शन होउछे आउरी बहुत गुडा डिफरेंस अछि मु एटी डिस्कशन कले हेतंदा बट आम जत कंप्लीट पढ़ी देवा दीटा टॉपिक सेतले आम ताको डिस्कशन करिया हला तबे कोन पढ़िया ना हमरो जो मेटालिक कंडक्टर रहला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रहला ताको क्लासिफाई करिया मेटालिक कंडक्टर आउट हो कौन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फर्स्ट डिफरेंस कौन ना मेटालिक कंडक्टर रे करंट फ्लो हो को रीजन रु मेटालिक कंडक्टर रे करंट फ्लो हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एटी करंट फ्लो हो का रीजन रु ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयन एटा आम फर्स्ट पॉइंट लिखिपर है आम लिखिपर चार्ज कैरियर इन दिस केस द चार्ज कैरियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन है इन दिस केस द चार्ज कैरियर इज फ्री आयन हला सेकेंड पॉइंट आम लिखिपर जेहेतु ये चार्ज कैरियर हो इलेक्ट्रॉन तो ये मास ट्रांसफर किसी हो बुझला बट ये कौन हो मास ट्रांसफर होला तो लिखिपर ये कौन नो ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस हला एटी देखिपर कौन मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस एटी कौन हो केमिकल नेचर रे किसी चेंजेस आसुनि बट ये कौन केमिकल चेंजेस होला नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस नो केमिकल चेंज ये कौन हो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस माने ये प्रोसेस पर तार नेचर जहाँ थी से चेंजेस पड़े आसो केमिकल चेंज अकर ओके आउ कौन पॉइंट हो पार
रेजिस्टेंस देख ये कौन हो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो सपोज धरी गोटे मेटालिक कंडक्टर अच्छे आयरन रॉड अच्छे कि कॉपर रो किसी गोटे रॉड अच्छे तो फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़ाक ये प्रेजेंट अच्छा मेटल विषय में कही तुम सॉलिड स्टेट रे मेटल स्ट्रक्चर केमी था ना मेटल सरफेस रे फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़ाक फ्लोट कर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन सी बोली आम जहाँ कहते मझे मझे कौन था कर्नल था कर्नल क्या कहे ना भैलेंसी इलेक्ट्रॉन को छाड़दे आ जो पार्ट टा रही आइटम रखें कौन कहते कर्नल कहते जमी देख सोडियम सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन 281 तीन टा सेल अच्छे के एल आओ एम 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 एड हो भैलेंसी सेल आपको छाड़देले आउ जो पार्ट रही आइटम रखा आम कौन कहते कर्नल बोली कहते कर्नल इज पॉजिटिवली चार्ज कमे ना गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो सेटा पॉजिटिवली चार्ज है ये जो भैलेंसी इलेक्ट्रॉन गुड़ा फ्रीली अच्छा प्रेजेंट कंडक्टर में आउ मझे मझे कौन गुड़ा प्रेजेंट अच्छे कर्नल गुड़ा प्रेजेंट अच्छा बुझिपाल हेल्ले जो इलेक्ट्रॉन गोटे डिरेक्शन में मूव करा स्टार्ट करें पॉजिटिवली चार्ज सी कौन नेगेटिवली चार्ज तो ये पछाड़ू टाणुंट बुझिपाल रेजिस्टेंस माने कौन गोटे अपोजिंग फोर्स व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रो फ्लो को इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट को जी अपोज करछे ताको हम कहूँ रेजिस्टेंस कहते बा करंट फ्लो को जी अपोज करछे ताको कौन रेजिस्टेंस बोली कहते हैं तो ये कर्नल कौन करछे इलेक्ट्रॉन रो मोशन टाको कमे दोछ अपोजिट डायरेक्शन रे से ताको अट्रैक्ट करछ सो ये हमें कही परिया गोटे जिनस कौन द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स है कौन लिखा ये रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स ओके सेटी कौन आसव देख सपोज गोटे सल्यूशन अच्छे मुझे सोडियम क्लोराइड गोटे सल्यूशन नी तो ये कौन अच्छे सोडियम आयन प्रेजेंट अच्छे आउ क्लोराइड आयन प्रेजेंट अच्छे सोडियम आयन आउ क्लोराइड आयन प्रेजेंट अच्छे जितने सोडियम आयन गोटे डिरेक्शन में मूव करा स्टार्ट कर सपोज ये सोडियम आयन बाहर देखा सपोज ये सोडियम आयन प्रेजेंट अच्छे हाँ तो कौन कहते पिला ना ये जो एन ए प्लस आयन अच्छी ये जो मूव करा स्टार्ट कर गोटे पर्टिकुला डिरेक्शन में एन ए प्लस को कौन सी एल माइनस आयन गुड़ा सराउंड होते हैं तो से कौन कर पचाड़ू टाणी मूव कर देवेन फॉरवर्ड बुझिपार्छ तो ये रेजिस्टेंस को रीजन रु आसला ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कौन कह देखो आम इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एन ए प्लस आउ सी एल माइनस भितर जो अट्रैक्शन फोर्सटा अच्छे से ही रिजन रु एटी रेजिस्टेंसटा आसला है यहाँ गोटे हो पार आउ गोटे रेजिस्टेंस कम आसो ना भिस्कोसिटी अफ द लिक्विड लिक्विड रिस्कोसीटी भी गोटे रेजिस्टेंस आसो भिस्कोसीटी कौन ना जो आम गोटे लिक्विड अच्छे सपोज ये हाइट्रे किसी गोटे लिक्विड अच्छे है तो आम इमाजिन करा जो लिक्विड टाइम लेयर लेयर हो बुझिपाल तो जो मूव हो फ्लो होते गोटे लेयर आउ गोटे लेयर भितर कौन हो कि गोटे फ्रिक्शनल फोर्स रोचे जहाँ कि आम कौन कौन भिस्कोसीटी कौन बुझिपाल हेले भिस्कोसीटा डाउन रे कौन रोच हाई रोच टप्रे कौन रोच टे लो रोच रिजन कौन ना टप्रे तुम इमाजिन कर जो लेयरटा पूरा बटम्रे अच्छे मैंने तुम बेले बेले अब्जर्व भी कर नदी में गोटे पत्रटे जो तले पड़ी तो से धीरे 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 मूव करथु बट जो ऊपर अच्छे मैंने बहुत स्पीड्रे मूव करथु रीजन होटा है तले जो वाटर पार्टिकल गुड़ा रोचे बहुत स्लोली मूव कर टप्रे जो वाटर पार्टिकल रोचे स्पीड्रे मूव कर भिस्कोसिटी भी कही फास्ट इयर तुम है तो गोटे लेयर वाटर रोटे लेयर आउ गोटे लेयर भितर जो फ्रिक्शनटा रोचे आम कौन कहते भिस्कोसिटी कहते आम एम भी इमाजिन कर गोटे लेयर आउ गोटे लेयर भितर अट्रैक्शन रोचे ना हेले से जो मूव करछि अपोजिट रे किछ गोटे फोर्स एक्जिस्ट करछि ताको ही आमे कोन कहचो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बोली कहचो हला मोर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द रेजिस्टेंस मोर द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मोर इज द रेजिस्टेंस हला सो इन दैट केस ठीक अच्छे पे तो ये केस कौन कही पार रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक इंटरैक्शन हला रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक इंटरैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट रो विस्कोसिटी आउ
इंटरआयोनिक इंटरेक्शन जो कौन होती रेजिस्टेंसटा आमको ऑब्जर्व होला। आउ गोटे पॉइंट कहीपरि मुझे आमर जो मेटालिक कंडक्टर रहा मेटालिक कंडक्टर केस रे आमर फाराडेस ल आप्लिकेबल हो पार फाराडेस ल कौन आम आगे जाइए देखा है बट ये कौन फाराडेस ल आप्लिकेबल हो पार है कौन ना फाराडेस ल इज एप्लिकेबल ओके ये लिखिद तुम्हें फाराडेस ल इज नॉट एप्लिकेबल ठीक अच्छे पिले। तो नेक्स्ट क्लास आम आज ये था आज कौन कौन आम टोटाल कौन डिस्कसन कले ना व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन कौन पढ़िया से जिनस कह तुमको नेक्स्ट आम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ापी हेल्ले आमको कौन दरकार कंडक्टर दरकार मानने केमिकाल एनर्जी को इलेक्ट्रिकाल एनर्जी को केमिकाल एनर्जी कन्वर्ट करने कंडक्टर दरकार कंडक्टर टू टाइप्स आसला गोटे आसा कौन मेटालिक कंडक्टर आ गए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तर डिफरेन्स कौन बुझे है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फर्दर टू टाइप्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ वीक इलेक्ट्रोलाइट एति की टॉपिक आज आम डिस्कशन कले एटा जस्ट इंट्रोडक्शन थिला। नेक्स्ट आम मूव करिया नेक्स्ट क्लास रे कौन ना आमर कंडक्टेंस कौन मोलार कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ए सबूत टॉपिक डिस्कशन करिया ओके थैंक यू।